नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनहित आवाज और मैं हूं राशिद। देश में कोरोना काल चलते हुए 3 साल हो गए हैं। बड़े तबके से लेके छोटा तबका परेशान है, आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। बड़े लोगों के कारखाने, उनके ऑफिस दफ्तर, छोटे लोगों की दुकानें, मजदूर, रिक्शे वाले, रेहड़ी पटरी वाले, सबकी जिंदगी संकट में आ गई है। केवल एक वर्ग को फर्क नहीं पड़ा है, जिसे महंगाई से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वर्ग है हद से ज्यादा रईस और ए कैटेगरी वाला, जिसे महंगाई से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तमाम देशवासी जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, कोरोना काल के समय जो संकट आया था, उनकी जिंदगी अभी भी उभर नहीं पाई है। बड़े कारखाने बंद हो गए हैं, छोटी दुकानें बंद हो गई हैं, लोगों की जिंदगी कर्जे में आ गई है साहब। और ऊपर से महंगाई की ये मार है, लोगों की जिंदगी अभी तक पटरी पर नहीं आई है। अपने बच्चे उन्होंने प्राइवेट स्कूलों से निकाल के सरकारी में भर दिए हैं, लोग कर्जे लेके अभी तक गुजारे कर रहे हैं। और ऐसे में एक खबर आती है उत्तर प्रदेश के बहराइच से, जहां पर विश्व हिंदू परिषद एक टायर पंचर वाले की दुकान की ब्रांडिंग करने जाता है। अभी तक इसमें कोई असमंजस की स्थिति इसलिए नहीं आई है क्योंकि मैंने आपको खुल के नहीं बताया है। VHP विश्व हिंदू परिषद पंचर वाले की दुकान की ब्रांडिंग करने जाता है, वो भी हिंदू पंचर वाले की। और रास्ते से गुजर रहे लोगों को मिठाइयां बांटता है। और इसी दुकान पर आपकी अगर मोटरसाइकिल है, दोपहिया वाहन है, उसके बिगड़ जाने पर इस दुकान से आके ठीक करने की अपील करता है कि आप यहां आइए, ये हमारे हिंदू भाई हैं, इनकी दुकान है, मोटर पार्ट्स बेचते हैं ये और पंचर लगाते हैं, इनको रोजगार दीजिए। हद तो तब हो गई जब वो ये कहती है, VHP विश्व हिंदू परिषद कहती है कि ये सामाजिक मुद्दा है, इसे धार्मिक मुद्दे से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। अरे साहब क्या बात करते हो, धार्मिक रंग तो आप देना शुरू करते हो। ईद के मौके पर आप अपना बैनर तले बैनर लगा के आप हिंदू की दुकान का प्रमोशन करते हैं। बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, लेकिन दुकान का प्रमोशन जाके आप करते हैं और कहते हैं कि इसे धार्मिक मुद्दा ना बनाइए। अगर आप धार्मिक मुद्दा नहीं बनाते तो आप सीधा किसी भी गरीब की दुकान पे जाते, वो चाहे मुस्लिम हो या दलित हो, किसी से भी, और उसकी दुकान का प्रचार करते तो शायद आपकी तारीफ ज्यादा होती। लेकिन ऐसा करने के साथ ही आपने तो अपना प्रचार करना शुरू कर दिया और आपने ये दिखा दिया कि अब धीरे धीरे समाज भी बाजार में बढ़ जाएगा। आपने ये दिखाना शुरू कर दिया कि पंचर वाला भी हिंदू है और सभी हिंदू भाई यहां से आइए और यहां से पंचर लगवाइए। अगर उस पंचर वाले के सामने कोई मुस्लिम पंचर वाला है तो क्या उस पे नहीं जाइए? सोचने वाली बात है। ये VHP अभी धीरे धीरे आपके दुकानों में घुसी है। कल तक ये संगठन में थी, लोगों को जोड़ती थी, आज ये मकानों में, दुकानों में घुस गई है, आपके काम धंधों में घुस गई है। एक तरफ लोग वैसे ही परेशान है, काम धंधे वैसे ही चौपट हो गए हैं, लोग कर्जे में जिंदगी गुजार रहे हैं, दयनीय हालत बहुत खराब है, काम धंधे उनके मिल नहीं पा रहे हैं, बेरोजगारी की समस्या है। और ऐसे में ये लोग एक दुकान पर जाते हैं और वहां पर राजनीति शुरू करते हैं और कहते हैं कि इस दुकान का ब्रांड प्रमोशन करने आए हैं, ये हमारे हिंदू भाई हैं, इनको रोजगार दीजिए। और आगे ये भी कहते हैं कि ऐसे और कई दुकानों पर अब विश्व हिंदू परिषद उनकी ब्रांडिंग करेगी ताकि हमारे हिंदू भाइयों को रोजगार मिले। मेरे भाई, ये देश सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को रोजगार मिलना है। अगर आपके अनुसार अगर देखा जाए तो हिंदू पंचर वाले पे केवल सब पंचर लगाने जाए और मुस्लिम पे ना जाए, किसी दलित पे ना जाए। आगे आगे आप कर दोगे कि कोई चाट वाला है, पकौड़ी वाला है, सब्जी वाला है, फल वाला है, सब हिंदू लोगों से खरीदे, मुसलमान की दुकान से ना कोई कपड़ा खरीदे, ना कोई मिठाई खरीदे, ना कोई फल खरीदे। बाजार भी आपके नजरिए से ऐसे हो जाने चाहिए जहां हिंदू बाजार हो जाए और मुस्लिम बाजार अलग है। क्या बात करते हैं साहब, अपने देश को देखिए, देश के हालातों को समझिए। रोजगार से आज हर कोई परेशान है, रोजगार नहीं है, काम धंधा नहीं है, लोगों की आर्थिक स्थिति देखिए, देश की अर्थव्यवस्था देखिए, लगातार नीचे जा रही है। और आप ऐसी दुकानों में आके राजनीति शुरू करते हैं। मैं आपको सीधी खबर से रूबरू करा दूं कि आखिर ये कहां का है। बहराइच का ये मामला है, जहां पर ईद के मौके पर ये घटना घटी है, ये ईद के मौके पर इस काम की शुरुआत हुई है। बहराइच के VHP जिला मंत्री हैं अंशुमान यज्ञसैनी ने इसकी शुरुआत की है और उन्होंने कहा है कि हिंदू समुदाय से जुड़े लोगों को संबोधित करते हुए लिखा है कि बहराइच में दो हिंदू भाई पंचर बनाने का काम बेहद कुशलता से कर रहे हैं। पंचर जैसी समस्या होने पर अपने हिंदू
सबजनों को इसी पते पर संपर्क करें। उनका ये भी कहना है, जो ये जिला मंत्री हैं अंशुमन यज्ञ सैनी, कि हिंदू भाई जो अपनी समिति संसाधनों के सहारे अपना काम कर रहे हैं, उनका प्रमोशन व उनकी ब्रांडिंग पर अधिक से अधिक लोगों को जुड़ने की अपील की जाए, जिससे अधिक से अधिक लोग इनसे जुड़ेंगे और इन्हें मजबूती भी मिलेगी। इतना ही नहीं, इन्होंने ये तक भी कह डाला कि इसे धर्म से जोड़ के ना देखें, सामाजिक मुद्दा। अब इन्हें जरा बताना चाहिए कि अगर सामाजिक ये मुद्दा होता तो आप दुकान की ब्रांडिंग करने से पहले उसका मजहब नहीं देखते साहब, सीधा गरीब की दुकान पे जाते और उसका रोजगार बढ़ाने की बातें करते। देश किस समस्या से जूझ रहा है और ये आपके घरों में दुकान में आने लगे हैं। जो छोटे छोटे कारोबार हैं, जो छोटी कोई पंचर वाला है, कोई नाई है, सैलून वाला है, मिठाई वाला है, फल वाला है, सब्जी वाला है, अब ये धीरे धीरे वहां जाके माहौल बनाएंगे और ऐसे में ये धीरे धीरे लोगों के मन में बैठा देंगे कि आपको किससे सामान खरीदना चाहिए और किससे नहीं। हमारे देश की मानसिकता, हमारा देश किस ओर जा रहा है ये देखना चाहिए और लोगों को ये फैसला करना चाहिए कि आप किन लोगों को बढ़ावा देते हैं। हमारे देश में जो लोग हैं, हमारा देश लोकतंत्र देश है और समाज के लोगों को ये सोचना चाहिए कि क्या अगर उनकी गाड़ी पंचर हो जाएगी तो वो किसी हिंदू पंचर वाले को ढूंढेंगे या मुस्लिम पंचर वाले को। अगर कोई हमारे देश के लोग, हमारे देश का किसी कोई भी परिवार है, अगर वो सड़कों पे जाता है तो क्या वो हिंदू रिक्शे वाले को ढूंढेगा या मुस्लिम रिक्शे वाले को ढूंढेगा? चिलचिलाती गर्मी हो रही है, क्या वो ये देखेगा कि ये पानी वाला कौन है, हिंदू है या मुस्लिम है? उसका रंग देख के, उसका नाम देख के पानी पिएगा? सोचने वाली बात है। और ऐसे संगठनों, ऐसे दलों से जरा सावधान होने की जरूरत है और इन्हें समझाने की भी जरूरत है कि आपके कामों से जरा आप खुद सोचिए कि देश किस ओर जा रहा है। आपकी आस्था, आपका दल आपकी आस्था, आपकी प्रार्थना आपके साथ है, आपको कोई नहीं रोक रहा आपके मकसदों से। लेकिन ये जो समाज में आपका मैसेज दे रहे हैं उसे जरूर देखना चाहिए और इस मैसेज से हमारा देश किस ओर जा रहा है ये जरूर देखना चाहिए। तो ध्यान रखिए आप अपने समाज का, अपनी सोसाइटी का, अपने देश का, अपने शहर का, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे, अगर आप चुप रहेंगे तो ऐसे मामले बढ़ते जाएंगे और ये मामले इतना बड़ा रूप ले लेंगे कि आज तो आप बोल पा रहे हैं और कल आप बोल भी नहीं पाएंगे। तो साहब ध्यान रखिए और ऐसे मुद्दों पर आवाज उठाइए और अगर बात सही है तो बात दूर तक जानी चाहिए और हक की बात कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जनहित आवाज़।